क्लास 9 के तमाम स्टूडेंट, आज हम लोग एस नवाज के माध्यम से फिज़िक्स का पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में होने की वजह से हमारे क्लासेस जो है वो रुक चुके थे, तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू की है। जो टॉपिक्स हमने क्लास में कवर अप कर ली थी, उसके बाद से जो टॉपिक्स है उसको यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है, जब तक ये ऑनलाइन क्लासेस चलेगा। ठीक है, हम लोग उन टॉपिक्स को कंप्लीट करते रहेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसका मतलब हमने बेसिक मोशन को एंड मेजरिंग यूनिट ऑफ फिजिक्स को स्टडी कर लिया है, यानी ये चैप्टर 3 एंड 4 का मीट पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बेसिक चीज़ जानेंगे वो पार्टिकल से स्टार्ट होने वाला फिजिक्स, उसको जानेंगे कि आपको ये समझना पड़ेगा कि पार्टिकल्स होता क्या है। फिजिक्स में पार्टिकल उस छोटे मास के टुकड़े को कहा जाता है जो अपने इंडिपेंडेंट कंडीशन को बैलेंस करता हो। ठीक है, ये पार्टिकल जो होता है ये मॉलिकुलर स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, और इन्हीं पार्टिकल्स के आपस में जुड़ जाने की वजह से एक बॉडी जो है उसकी तश्कील होती है। जो बॉडी है उसका दो तरह का नेचर है, वो रिजिड होता है और फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे हम रिजिडिटी के ऊपर बात करेंगे कि रिजिडिटी किसको कहा जाता है। जो रिजिडिटी है वो बॉडी के टॉलरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम इस बोट को देखें, ठीक है, तो इस बोट पे लगाया जाने वाला फोर्स ये बोट अब्जॉर्ब कर ले रहा है, यानी इसके अंदर रिजिडिटी मौजूद है, ये अपने आप को उस फोर्स को अब्जॉर्ब कर ले रहा है, अपने स्टेट पे चेंजेस आने नहीं दे रहा है, यानी आसानी से डिफॉर्म नहीं हो रहा है। कंपेयर टू इफ़ आई एम टचिंग माई चिक्स, इट कैन ईजली बी डिफॉर्म। इसमें आसानी से फोर्स लगने से इसमें एक हल्का सा फ्लेक्सिबिलिटी डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत ही मामूली से एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया आपके स्टैंडर्ड को समझते हुए। ठीक है, तो बॉडी का अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट होता है। ठीक है, आमतौर पे फिजिक्स जो है वो स्टेट को दो हिस्सों में बांटता है, एक आपका रेस्ट और दूसरा मोशन। रेस्ट और मोशन जो है वो टाइम पे डिपेंड है, टाइम इज़ अ बेसिक फैक्टर। हम टाइम को सामने रखते हुए बॉडी के स्टेट को रेस्ट और उसको मोशन डिफाइन करते हैं। कैसे? कि अगर आपका टाइम पास कर रहा है, वक्त जो कि रुकने वाला नहीं है, वक्त पास करता रहेगा। अब डिपेंड करता है कि बॉडी अपने कंडीशन को कैसे बैलेंस करे। कि मान लीजिए एक एक घंटे का सफ़र है, ठीक है, और आप अपने क्लासरूम में बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ और ये घंटा पास हो जाता है, तो हम लोग दोनों रेस्ट पे माने जाएंगे। लेकिन अगर इसी एक घंटे में कोई शख्स अगर हावड़ा स्टेशन, जो कलकत्ता करीब का स्टेशन है, अगर वहाँ से ट्रेन में सफ़र करे, तो एक घंटे के बाद वो बर्दवान या दूसरी किसी जगह पहुँच जाएगा, यानी वो मोशन में मालूम वहाँ पर हुआ। तो टाइम को सामने रखते हुए हम यहाँ दो चीज़ों को कंक्लूड किए हैं, रेस्ट एंड द मोशन स्टेट ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये जो रेस्ट है और ये जो मोशन है इसको लेकर साइंटिस्ट के बीच में बहुत सारी बहस रही है। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को रेस्ट पे कहना या किसी भी चीज़ को मोशन में बताना ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि हम सराउंडिंग को स्टडी ना कर लें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अपने सराउंडिंग पे बिल्डिंग्स को देखें, प्लांट्स को देखें, पेड़ को देखें, ठीक है, तो वो हमको रेस्ट पे दिखेगा। ठीक है, क्योंकि वो हमारे मुताबिक अपने जगह पे मौजूद। जैसे ये पेन, अगर मैं इस पेन को यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, और 2 दिन के बाद आता हूँ, तो ये अपनी जगह पे रहेगा। लेकिन वो बॉडी जो अर्थ के बाहर है, जो अर्थ को मूव करते हुए देख रहा है, अगर हम मून पे जाए और अर्थ को स्टडी करें, तो अर्थ घूम रहा है, वी नो अबाउट दैट। अर्थ का एक स्पीड है, अर्थ रोटेशन कर रहा है, अर्थ रिवोल्यूशन कर रहा है। जब अर्थ रोटेशन और रिवोल्यूशन कर रहा है तो अर्थ में मौजूद तमाम बॉडी उसके अकॉर्डिंग क्या कर रही है, मूव कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो लोग अर्थ पर रह रहे हैं वो देख रहे हैं पहाड़ अपनी जगह पर रुकी हुई है, बिल्डिंग्स अपनी जगह पर है। तो ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है किस चीज़ के ऊपर, रेफरेंस फ्रेम के ऊपर, यानी आप किस फ्रेम में किसी चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसी चीज़ को बहस में रखते हुए साइंटिस्ट का एक ग्रुप जो है इसको स्टडी करता है कि कब किस बॉडी को रेस्ट पे कहा जाए और कब किस बॉडी को मोशन पे कहा जाए। ठीक है,
तो रेस्ट और मोशन जो है उसका जो बेसिक की है जिससे हम रेस्ट और मोशन को डिफाइन करेंगे या उसके स्टेट को बदलते हुए देखेंगे वो है फोर्स। ठीक है, जब तक फोर्स है एक बॉडी अपने स्टेट पे इंडिपेंडेंट, जब तक फोर्स एब्सेंट है तब तक एक बॉडी अपने स्टेट पे इंडिपेंडेंट है। लेकिन जैसे ही उस पर फोर्स काम करता है, बॉडी के अपना खुद के जिम्मेदारी में ना होना इस बात का सबूत है कि फोर्स आकर उस बॉडी के स्टेट को चेंज कर देगा। तो फोर्स यानी कुवत। ठीक है, ये जो कुवत है, ये जो ताकत है, ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए तीन कीवर्ड्स हैं हमारे पास, तीन बुनियादी चीज़ें जिससे हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स क्या है? पहला बात, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है, एक बाहरी कुवत है। ठीक है, जो जब किसी बॉडी पे इफेक्ट करता है, उसके ऊपर मनहसर होता है, तो उसके अंदर क्या चेंजेस लाता है उसको हम यहाँ तीन चीज़ों पे समझ सकते हैं। पहली चीज़, वो बॉडी के स्टेट को चेंज कर देगा। बॉडी के स्टेट को चेंज कर देगा क्या मतलब? बॉडी का दो स्टेट है, रेस्ट है और मोशन है। तो वो रेस्ट को मोशन कर देगा और मोशन को रेस्ट कर देगा। यानी अगर कोई बॉडी रुकी हुई है और उस पर अगर दबाव दिया जाए, उस पर ताकत दिया जाए, तो बॉडी क्या करेगा? मूव करना शुरू कर देगा, वो अपने मोशन को अटेंड कर लेगा, रेस्ट से मोशन में हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बॉडी चल रहा है और हम ताकत लगाए, अगर मेरे पास ये ताकत है और हम उसको अप्लाई करते हैं, तो वो बॉडी क्या है? रुक जाएगा। ठीक है, तो वो रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट, ये चीज़ें बार बार चेंज होती रहेंगी। दूसरा, बॉडी के शेप को चेंज कर सकता है। हम इस चीज़ को आम दिनों में, आम जिंदगी में देखते हैं कि हैमरिंग करते हैं, हथौड़ा मारते हैं चीज़ों पे, तो ईंटा है उस पर हथौड़ा मारा जाए, ईंटा टूट जाता है। एक इतना बड़ा ईंटा रहा, एक ब्रिक है, मान लीजिए ये ईंट है, ये कोई सामान है, इस पर अगर हथौड़ा जोर से मारा जाए, दो हिस्से में टूट जाएगा, इसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा। अभी ये 10 सेंटीमीटर का, टूटने के बाद ये 5-5 में बदल सकता है। ठीक है, तो बॉडी के शेप को, उसके डायमेंशन को, ज्योमेट्रिकल फिगर्स को क्या करेगा? फोर्स चेंज कर देगा। फोर्स का तीसरा इम्पॉर्टेंट काम जो है, जो हम आम दिनों में देखते हैं, वो डायरेक्शन ऑफ वर्क डन को चेंज कर देना, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अगर एक बॉडी एक डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो फोर्स चाहे तो उसके मूवमेंट को बरकरार रखते हुए उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कोई इंसान भाग रहा है, आप उसको पकड़ के पीछे की तरफ खींच दें, तो उसका मूवमेंट जो है वो चेंज हो जा रहा है। यानी डायरेक्शन ऑफ वर्क डन को चेंज करने का जिम्मेदार फोर्स है, यानी फोर्स उसको चेंज कर सकता है। तो फोर्स जो है वो बेसिकली दो चीज़ों या दो हिस्सों पे बांटा जा सकता है। ताकत को दो तरीके से हम समझ सकते हैं या उसको बांट सकते हैं। एक कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी वो ताकत जो दो चीज़ों के करीब में आने से काम करती है, ठीक है, और एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी जब दो चीज़ एक दूसरे के करीब ना हो लेकिन फिर भी उन पे ताकत जो है वो काम कर रही हो। ये हमारा कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का डेफिनेशन हुआ। हम जानेंगे एक ज़िंदगी में, इस दुनिया पे, हमारे एवरीडे लाइफ पे कौन सी ऐसी ताकतें हैं, कौन सी ऐसी फोर्स है जो इस कैटेगरी में रखी जा सकती है और किनको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स जो होगा, ठीक है, उसमें पहला फोर्स है रिएक्शन फोर्स। ठीक है, हम इस बात को जानते हैं, अगर हम आज इस धरती पे चल पा रहे हैं, यहाँ पे इमारतें जो मौजूद है, यहाँ पे तमाम चीज़ें जो हरकत में हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो है ग्रेविटी। ये ग्रेविटी जो है वो चीज़ों को बैलेंस किए हुए, उनको थामे हुए, ग्रेविटी के होने की वजह से आज चीज़ें जो है वो इस दुनिया पे आसानी के साथ चल फिर पा रही है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि ये ग्रेविटी की वजह से चीज़ें जो है ज़मीन के अंदर धंस जाए, ज़मीन के अंदर क्या हो, धंस जाए। ठीक है, ऐसा ना होने का सबसे बड़ा जो सबूत है वो है रिएक्शन फोर्स। एक फोर्स जो हम लोगों को नीचे की तरफ खींच रहा है वो है ग्रेविटी, उसी के अगेंस्ट पे, उसी के इक्वल अमाउंट पे बैलेंसिंग फोर्स रिएक्शन फोर्स है जो हमको ऊपर की तरफ से खींच रहा है। यानी एक बॉडी को अगर मैं समझाना चाहूँ, ठीक है, तो आप ये समझें कि कोई भी इंसान है, ठीक है, उसको एक फोर्स जो है वो नीचे की तरफ से खींच रहा है, जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ उस पर अट्रैक्ट करता है।
उसी को बैलेंस करने के लिए इक्वल अमाउंट में रिएक्शन फोर्स होता है। जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर पाता है, जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर पाता है तो ये बॉडी आसानी के साथ धरती पे चल फिर पा रहा है। अगर इनमें से कोई भी एक फोर्स डिस्टर्ब हो जाए, मान लीजिए अगर ग्रेविटी जो है वो रिएक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाए, तो बॉडी जो है वो सिंक कर जाएगा, धंस जाएगा। और अगर रिएक्शन फोर्स ग्रेविटी फोर्स से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो बॉडी जो है वो फ्लाई कर जाएगा, वो उड़ जाएगा, ठीक है। यही सब कुछ हमको दूसरे प्लैनेट पे देखने को मिलता है, जब अर्थ का कोई व्यक्ति, कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉट जब किसी जगह पे जाता है दूसरे प्लैनेट्स पे, तो उनके उनके साथ यही सब चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं कि ये डिस्टर्ब करता है। ग्रेविटी वहाँ पे इक्वल नहीं है, अर्थ की तरह नहीं है। जैसे आपको पता है मून पे ग्रेविटी जो है 6 टाइम जो है वो कम अर्थ के मुकाबले में, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ फेस करने मिलेगा, ठीक है। यू आर फ्लाइंग अवे, यू कैन नॉट बी एबल टू स्टैंड ओवर देयर, आप वहाँ पे आसानी के साथ चल फिर नहीं सकते, ये वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फैक्टर। दूसरा जो फोर्स है वो है स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग पे लगाया जाने वाला फोर्स, ठीक है। स्प्रिंग को अगर हम देखें, ठीक है, तो स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग जो है उस पर एक तनाव आता है, एक खिंचाव आता है, ठीक है, जो इस बात का सबूत है कि ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्योंकि स्प्रिंग अपने आप खींचा नहीं जा सकता है, तो स्प्रिंग एक कॉन्टैक्ट फोर्स के ऊपर काम करता है। स्प्रिंग में जो खिंचाव आता है इसके वजह से क्या होता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी, हम जब एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर सीखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी जो है वो बॉडी के किस प्रकार की एनर्जी है। तो यहाँ पर फोर्स के अप्लाई होने से स्प्रिंग में खिंचाव आता है, ठीक है, जिसके वजह से स्प्रिंग जो है वो अपने रेस्ट और मोशन वाले स्टेट को तब्दील करता रहता है, ठीक है। उसी तरह का एक फोर्स जो है वो आपको दिखेगा वो है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो हमेशा उस वक्त काम करता है कि जब दो बॉडी एक दूसरे के अगेंस्ट में मोशन कर रही हो, जब एक बॉडी और दूसरा बॉडी एक दूसरे के अगेंस्ट में मोशन कर रहा हो, तो उस मोशन के कंडीशन पे क्या होगा, एक अपोजिट फोर्स काम कर रहा है, जो पहली वाली बॉडी को राइट साइड पे लेके जा स्वैप करवा रहा है और दूसरे वाली बॉडी को लेफ्ट साइड पे स्वैप करवा रहा है। तो बच्चों अजान की वजह से हमें वहाँ वीडियो पॉज करना पड़ा था, हम अभी तो शुरू करते हैं दोबारा। तो मैं ये बता रहा था फ्रिक्शन फोर्स के बारे में कि जब दो बॉडी जो है एक दूसरे के अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे काम करता है, ठीक है, तो उनके अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से उनके बीच में, ठीक है, एक एनर्जी डेवलप होता है, ठीक है, जो हीट एनर्जी होता है, यानी फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो हीट एनर्जी, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स के लिए सबसे बड़ा कंडीशन क्या है, दो बॉडी का एक दूसरे के साथ क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन पे जाना, यानी उनको आपस में टच होना पड़ेगा, और ये इस बात को सबूत है कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। हमारा चौथा जो फोर्स है वो है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स जो है, ठीक है, आप उसको ऐसे समझेंगे, ठीक है, बॉडी को हमने क्या किया है, हैंग करवा, ठीक है, वो हैंगिंग कर रहा है, ठीक है, और उस हैंगिंग कंडीशन पे ये स्ट्रिंग जो उसको बांधे हुए, जो उस बॉडी के लोड को लिए हुए है, ठीक है, उसके अंदर एक तरह का जो है डिस्टर्बेंस दिखता है, ठीक है, वो जो डिस्टर्बेंस होता है वो टेंशन फोर्स होता है। और आप याद रखेंगे कि हैंगिंग कंडीशन में जो बॉडी होता है उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होता है वो टेंशन फोर्स होता है, यानी जो बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो मेरा कौन सा फोर्स होगा, वो टेंसाइल फोर्स या टेंशन फोर्स होगा, आपको ये ध्यान रखना है। और
ये टेंशन फोर्स डेवलप होने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि बॉडी का हैंगिंग कंडीशन में आना, जिसके लिए कॉन्टैक्ट में आना ज़रूरी है। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, आप समझ पा रहे हैं बहुत आसानी से, मैं इन चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है कॉन्टैक्ट, दो चीज़ों का कॉन्टैक्ट पे आना। तो कहाँ कहाँ हमें कॉन्टैक्ट मिला, हम चारों जगह पर उसको बहुत आसानी के साथ डिफाइन कर पाए, ठीक है। अब हम दूसरी कैटेगरी पर जाते हैं, यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, ठीक है, उसमें मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, हम इन तीनों फोर्सेस को रख सकते हैं, कैसे ये कैसे काम करते हैं इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेट किसको बोला जाएगा, ठीक है। तो एक मैग्नेटिक कंडीशन बॉडी पे कब डेवलप होता है, मैग्नेट हम किसको कहेंगे, ठीक है। मैग्नेट उस बॉडी को कहा जाता है जो बॉडी हमेशा जब कभी भी उसको हैंग करवाया जाए, फ्रीली छोड़ दिया जाए, तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। हमें पता है अर्थ का चार डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो एक मैग्नेट उस बॉडी को कहा जाएगा जो बॉडी जब कभी भी फ्रीली उसको छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। बाकी तमाम बॉडी ऐसा नहीं करेगी। जैसे कि स्पेन को अगर मैं लटका दूँ और इसको फ्रीली छोड़ दूँ तो ये कहीं भी अपने आप को लोकेट कर सकता है, लेकिन एक मैग्नेट ऐसा नहीं करेगा। मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट करेगा, जो इसको बाकी दुनिया की तमाम बॉडियों से अलग करार देगा, ठीक है। ये मैग्नेट है, ठीक है। इससे हमको डायरेक्शन का पता भी चलता है। अगर हमको नॉर्थ और साउथ मालूम हो जाए तो हम ईस्ट और वेस्ट को पता कर लेंगे। तो मैग्नेट का एक दूसरा जो काम है वो नेविगेशन में होता है। पुराने ज़माने से लेकर आज तक हम मैग्नेट को नेविगेशन के तौर पे क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो ये मैग्नेट एज अ फोर्स कहाँ काम करता है, ठीक। मैग्नेट जो है वो दूसरे मैग्नेटिक बॉडी को जो है अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसका एक प्रिंसिपल है कि अगर दो मैग्नेट को अगर हम करीब पर रख दें, का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें हम दो चीजों को गौर करेंगे, ठीक है, एक अट्रैक्शन को और दूसरा रिपल्शन, कि एक मैग्नेट कब अट्रैक्टिव बिहेवियर शो करता है और कब रिपल्सिव बिहेवियर शो करता है। जब एक मैग्नेट का दो पोल होता है, दो हिस्सा होता है, मैंने अभी आपको बताया कि दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी दो उसका किनारा है, एक किनारा नॉर्थ और एक किनारा साउथ अगर उसको फर्ज कर दिया जाए, तो अगर एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के करीब में लाया जाए इस तरीके से कि उनका पोल आपस में डिफरेंट हो, ठीक है, वो वैरी करे, यानी ये साउथ है तो वो नॉर्थ हो, तो ऐसे कंडीशन पे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को ग्रैब करता है, उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसी के अगेंस्ट में अगर हम दो मैग्नेट इस तरीके से रखें कि उनका पोल बिल्कुल आपस में क्या हो, सेम, सिमिलर पोल्स हो, ठीक है, तो वो रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, लेकिन पहले वाले केस में क्या था, अट्रैक्ट, ठीक है। तो ये अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, ये इनको करीब में लाने की वजह से नहीं है, लेकिन ये आपस में दूर है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है, लेकिन फिर भी एक ताकत उनमें काम कर रहा है जो इस बात का सबूत है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट में लाना जरूरी नहीं है, अपना काम जो है वो शुरू कर देता है, कर देता है। अच्छा, एक बेसिक सवाल है आपसे, ठीक है, कि क्या मैग्नेट दूसरे मैग्नेट ही के साथ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है, इसके अलावा और कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा मेटल है? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ।
कोई आपसे पूछ ले आपका जवाब बन गई है हाँ। तो इसके अलावा कुदरत में हमारे पास आयरन, कॉबल्ट और निकल, ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद है अर्थ पे, जिसके साथ मेटल क्या करता है, मैग्नेट क्या करता है, वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन रिपल्सिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ठीक है, वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा लेकिन रिपल नहीं कर पाएगा। जो रिपल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, सामने वाले के पास भी वही ताकत होनी चाहिए जिससे वो दूसरे को आपको क्या कर सकते हैं, डिफेंस कर पा रहा हो। ये प्रॉपर्टी उसके पास नहीं होने की वजह से वो रिपल नहीं कर पाएगा, इसीलिए रिपल्शन को मैग्नेट होने का श्योरेट टेस्ट माना जाता है। रिपल्शन इज द श्योरेट टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये क्लास 7-8 में हम लोगों को पढ़ाया गया था, मैंने उसको एक हल्का सा रिविजन दे दिया। ओके, मैग्नेट के बाद आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक फोर्स पाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो इज ड्राइव फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा है, स्टैटिक कंडीशन का मतलब वो रुका हुआ है, रेस्ट पे है, यानी जब कभी भी हम देखेंगे कि दो चार्जेस जोड़ते हैं, ठीक है, नेचर में दो तरह के चार्ज पाए जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, दो तरह का चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली नेगेटिव चार्ज होते हैं, और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये हम जानते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का होना इस बात का सबूत, जब ये दो चार्जेस जो कि रेस्ट कंडीशन पे हो और एक दूसरे के करीब रख लिए जाए, तो हमें ये दोनों चार्जेस अपोजिट दिख रहे हैं, तो अपोजिट चार्जेस जो होते हैं अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये दोनों चार्जेस सिमिलर है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, और यू कैन से नेगेटिव और नेगेटिव, तो सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो रिपल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देके दूर करते हैं। तो ये एक दूसरे के करीब नहीं आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दूरी से ही ये अट्रैक्शन प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं और रिपल्शन प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, कि एक नॉन कॉन्टैक्ट है, मैं रहने के बावजूद इनके बीच में एक ताकत, एक फोर्स मौजूद है, जो इस बात को सबूत है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या था, फोर्स है एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही वीक फोर्स, कंपेयर टू दिस टू ग्रेविटेशन इज अ वेरी वीक फोर्स। ओके, वीक फोर्स, ठीक है, तो ये फोर्स है क्या, इस ब्रह्मांड में, इस धरती पे जो कोई भी ताकत है दो बॉडी के बीच में, जो कोई भी ताकत है वो दो बॉडी के बीच में, ठीक है, और बॉडी जो है उसका बेसिक प्रॉपर्टी मास है, यानी बॉडी को हम मास ही से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम इस बात को जानते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशन होने के लिए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जिस्ट होने के लिए बॉडी का होना ज़रूरी है, और बॉडी जो है वो मास है। ठीक है, तो दो मास वाले चीज़ें, चाहे वो अर्थ और मार्स हो, प्लूटो और नेपच्यून हो, या एक इंसान और एक बुक हो, दोनों के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, वो दोनों दूसरे करीब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बीच में एक फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, वही फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये फोर्स अपने आप में बहुत कमज़ोर है, इसका पावर 10^34 टाइम्स इज वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से तकरीबन 10 के ऊपर पावर, अगर 34 रख दिया जाए, तो इतना गुना बड़ा फोर्स जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है
कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर, काफ़ी ज़्यादा छोटा सा फोर्स ये ग्रेविटेशन फोर्स है। सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये बोट मेरे ऊपर एक ताकत लगा रहा है। अभी आप देख रहे हैं वीडियो में, ये बोट अपनी जगह पे है, मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ, हम लोग के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ना मैं इसको खींच पा रहा हूँ और ना ये मुझे खींच पा रहा है। जैसे हम फिल्मों पे देखते हैं, स्पाइडरमैन मूवी आप एडवेंचरस देखते हैं, उसमें कैसे करके स्पाइडरमैन जो होता है वो चीज़ों को खींच लेता है। हमें एक वर्चुअल वर्ल्ड दिखाया गया, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन हमें एक वर्चुअलिटी, एक एडवेंचरस वर्चुअलिटी दिखाया गया, तो ये मुमकिन जो है वो नेचुरल वर्ल्ड में नहीं है कि चीज़ें दूसरे के बिल्कुल चाहने से करीब आ जाए, कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये चीज़ मेरे करीब आ जाए, ऐसा नहीं होता, हमें जाके उसको उठाना पड़ता है। इस बात का सबूत है कि ये एक बहुत ही कमज़ोर फोर्स है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है? अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो अर्थ सन के अराउंड में कभी नहीं रोटेट होता, रिवॉल्व करता। मून अर्थ के अराउंड में कभी रिवॉल्व नहीं करता। ये इस बात को सबूत है कि ताकत है मौजूद जो उसको खींचे हुए, उसको रोके हुए, लेकिन इतनी ज़्यादा मजबूत ताकत, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है कि उसको अपने करीब लेकर आए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो क्लास 9 के वेस्ट बंगाल बोर्ड के बच्चों, हमने आज चैप्टर 3 जो फिजिक्स बुक का है आपका, उसका पहला पार्ट फोर्स और उससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें, ठीक है, हमने आज उसको स्टडी की, उसको समझने की कोशिश की, जो कि हमारा ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हो रहा था। ठीक है, क्योंकि हमारा लॉकडाउन पीरियड होने की वजह से हम इस चीज़ को एक्सटेंड नहीं कर पाए कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर सकें। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता वीडियो क्लासेस का एक तरीका शुरू किया है, जिससे आप घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपने वक्त को जो है मसरूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आने वाले क्लास में, जो हमारा क्लास 9 का दूसरा वीडियो बनेगा, उसमें हम लॉज ऑफ मोशन को इंक्लूड करेंगे, और इसके बाद से जो टॉपिक्स है, कैसे करके फोर्स काम करे किसी बॉडी के ऊपर में, उसके पीछे क्या लॉ होनी चाहिए, क्या ऐसी ताकतें, क्या ऐसे रूल्स होने चाहिए कि कैसे करके फोर्स किसी बॉडी पे काम करके उसको रोक सकता है या उसको चलने पे मजबूर कर सकता है, ये हम आने वाले क्लासेस में करेंगे। ओके, रेस्ट फॉर टुडे, टेक केयर बच्चों, और अपना ध्यान रखें, अपने फ्री वक्त में वीडियोस को देखते रहें, और जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है उसे कॉपी में नोट करते रहें। ओके, टेक केयर।